my dear students and friends, welcome back. It's a new video here for you, and I'm making that video here for one of my students. Actually, he asked me to let him know that how that model should is used in English. Of course, I have already made videos about that model earlier, and I uploaded them to my channel, but still I am making it for that particular student. So please watch it and keep enjoying learning the model should. Let's begin. How we use it. So first use I am going to let you know ki hum iska use kaise karte hain. So sabse pehle, the first thing about that is we use it to show or to suggest, you can say suggest someone something. Someone something to do. So kisi ko koi salah mashwara hum dete hain tab hum isko use karte hain. A simple form of that is subject, we use should, and plus v1 first form of verb, and then we use object. ये स्ट्रक्चर हमेशा रहेगा किसी को जब हमको सजेस्ट कर रहे हैं, जैसे यू शुड इम्प्रूव योर इंग्लिश, यू शुड इम्प्रूव योर इंग्लिश, आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी चाहिए. सिंपल सजेशन. एंड you may take some more examples where you want to suggest someone something, like I should drive carefully. I should drive carefully. मुझे सावधानी से गाड़ी चलाना चाहिए. अभी second use हम यहाँ पे should का करते हैं. तो should usually एक question में use करते हैं. तो मैं structure पहले आपको लिखता हूँ यहाँ पे should. Like you can use any subject I or be. First form of verb plus object. तो क्या करते हैं यहां पे हम like suppose I say should I help you? Should I help you? अब now you try to understand that in that sentence you are not going to request, means you do, means you are not requesting that person to help him. आप खुद request नहीं कर रहे हैं. अगर आप खुद करते तो आप बोलते may I help you और may I have a glass of water, क्योंकि आपकी जरूरत है वो. लेकिन जब आपको लगता है कि जिसकी आप मदद करने जा रहे हो उसको आपकी जरूरत शायद हो मदद की, तो should I help you, क्या मैं आपकी मदद करूं? कर सकता हूं नहीं, करूं. You can take more examples here, like should I wait outside for you? Yes, should I wait for you outside?
क्या मैं बाहर आपका इंतजार करूं? ला आप चाहो तो मैं करूं। If you want me to wait outside, I can wait. तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जब आप कोई कंडीशनल सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट में बनाते हैं, अ कंडीशनल सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, लाइक यदि आपको, जैसे यू माइट हैव सीन ऑब्जर्व व्हेन यू यूज एनी आई ड्रॉप एन इंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज देयर व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, उसके पीछे एक इंस्ट्रक्शन लिखा होता है उसके बॉक्स पे जो आई ड्रॉप आप यूज करते हो, उसमें लिखा होता है कि यदि इस दवा को डालने से आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। तो वहाँ पे हम इफ से तो बना ही सकते हैं सेंटेंस, लेकिन वहाँ पे हम शुड से भी बनाते हैं। शुड द प्रॉब्लम परसिस्ट प्लीज कंसल्ट योर फिजिशियन। शुड द, ये क्वेश्चन नहीं है, शुड से यदि हो गया, यदि प्रॉब्लम हो तो प्लीज कंसल्ट योर फिजिशियन। शुड द प्रॉब्लम परसिस्ट, अगर प्रॉब्लम हो तो यदि के लिए हम शुड का यूज करते हैं। वन मोर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे Should you meet him? यदि आप उससे मिलो तो please ask him to see me. Should you meet him? Please ask him to see me. अगर आप उससे मिलो तो उससे मुझे मिलने को बोलना, तो यदि, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम, यूज है इसका नेक्स्ट शुड का यूज। तो जैसे हम बोलते चाहिए था, तो वहां पे स्ट्रक्चर हम पहले लिख लेते हैं शुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं। जैसे आपको कल यहाँ आना चाहिए था, यू शुड हैव कम हियर यस्टरडे, आपको कल यहाँ आना चाहिए था, या आपको बाहर जाने से पहले कमरे का ताला लगाना चाहिए था, यू शुड हैव lock the door before you went out. So you should have locked the door before you went out. आप बाहर गए उससे पहले आपको ताला लगाना चाहिए था कमरे का या दरवाजे का। तो ये इस तरीके से आप should का use कर सकते हो। तो मैंने ये फोर यूज आपको शुड के बताए, ये आप यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस में, और बी के साथ भी आप शुड को यूज कर सकते हैं। तो वहां पे स्ट्रक्चर क्या होता है, लाइक तो सब्जेक्ट शुड प्लस बी, अब यहाँ पे कोई नाउन भी हो सकता है या प्रोनाउन भी हो सकता है या कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे शुड बी प्लस नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बोलू आपको कल यहाँ होना चाहिए, तो यू शुड बी टमारो,
ये हो गया सेंड, यू शुड बी हियर टुमारो, कल आपको होना चाहिए। अभी मैं और एक सेंटेंस लेता हूँ, क्या इस टेबल को लंबा होना चाहिए? तो शुड दैट टेबल बी लॉन्ग, लंबा, इससे और लंबा तो लॉन्गर भी ले सकते हो आप, ठीक है? तो शुड दैट टेबल बी लॉन्गर, इससे और बड़ी होना चाहिए जितनी अभी है। तो इस तरीके से आप शुड का यूज कर सकते हो, ये फिफ्थ यूज है आपके लिए, ठीक है? तो इस तरीके से आप शुड को यूज कर सकते हो। इफ यू लाइक दैट वीडियो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट फॉर अदर्स। Keep watching my videos, subscribe to my channel to watch my new videos, and I have already given my email ID and Skype ID here in that video and below that video. You may contact me through my email ID or Skype ID if you think you want to have one-to-one classes with me. Thanks for watching that video. Thank you.